हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करेंगे आज मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिखेगा एग्जाम में, या फिर आप जब भी सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन ये होगा कि आपको वन नोड वन से लेके नोड सेवन के बीच में जो मैक्सिमल फ्लो है वो निकालना है। क्वेश्चन आप देखते ही इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल। जहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जो इस साइड जो हमने फोर लिखा है या फाइव जो भी टेन लिखा हुआ है वो कैपेसिटी को बताएगा जो इनिशियली दिया होता है। ये आपका कैपेसिटी है, और सॉल्व करते समय जब आप इस लाइन के इधर जो चीज़ें लिखेंगे वो होगा आपका फ्लो। तो इधर कैपेसिटी होता है और ये फ्लो होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज करते हैं वन से सेवन तक जाने के लिए, और उसके अलॉन्ग जो फ्लो होता है उसको निकालते हैं। पाथ आप कोई भी रैंडम चूज कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। आप चाहे तो वन टू फाइव सेवन जाएं पहले, या फिर वन थ्री सिक्स और सेवन जाएं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको एरो का बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि एरो के इनवर्ट डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते जब तक कि पॉजिटिव फ्लो बना हुआ है। जैसे आप वन से थ्री और थ्री से फोर जा सकते हैं, लेकिन वन से थ्री और थ्री से टू नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी जो एरो की डायरेक्शन है ये उल्टा है। हाँ, आप वन से टू और टू से फिर थ्री आ सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई भी एक पाथ चूज करते हैं सबसे पहले वन से सेवन तक के लिए। तो पहला पाथ हमने लिया वन से टू, टू से फाइव एंड देन फाइव से सेवन। जो पाथ लेते हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, वन से टू, टू से फाइव एंड देन फाइव से सेवन। अब यहाँ क्या करते हैं, इस पाथ के लॉन्ग जो सबसे मिनिमम कैपेसिटी जिसकी होती है उसको आप चूज करिए। यहाँ सेवन है, यहाँ फाइव है और यहाँ टेन है, तो सबसे मिनिमम कैपेसिटी है फाइव। तो आप यहाँ फ्लो फाइव लीजिए, क्योंकि इस लाइन में इससे ज़्यादा फ्लो नहीं हो सकता। तो फाइव लेने के बाद इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो आप इसको ज़ीरो रखेंगे। और टेन कैपेसिटीज़ की है, फाइव आपने फ्लो कराया है, तो टेन माइनस फाइव इक्वल टू फाइव, इसकी कैपेसिटी बची फाइव। और सेवन माइनस फाइव इक्वल टू टू, तो यहाँ कैपेसिटी बची टू। आप यहाँ लिख लेंगे फ्लो फाइव। ओके, अब दूसरा रास्ता आप ये ले सकते हैं, वन से थ्री, थ्री से सिक्स और सिक्स से सेवन। सो हमने ले लिया वन से थ्री, थ्री से सिक्स एंड सिक्स से सेवन। ठीक, अब यहाँ से सबसे मिनिमम जो कैपेसिटी जिसकी उसकी चूज करिए। फिर ये फोर है, यहाँ सेवन है, यहाँ टेन है, तो सबसे मिनिमम कैपेसिटी है फोर। तो हम चूज करते हैं फोर, फोर ले लेते हैं फ्लो, तो इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, ये ज़ीरो। एंड देन सेवन माइनस फोर इज थ्री एंड टेन माइनस फोर इज सिक्स। आप इसको यहाँ भी लिख लेंगे फोर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये जो जहाँ आपकी कैपेसिटी ज़ीरो हुई है, ये जो जो लाइन है या पाइप लाइन है जो भी है, ये ब्लॉक हो चुकी है। तो अब यहाँ से फ्लो आप नहीं करा सकते, यहाँ भी ब्लॉक्ड है और एक ये यहाँ भी ब्लॉक्ड है, तो आप यहाँ से फ्लो नहीं करा सकते। देन यू विल हैव टू चूज समथिंग एल्स। तो कोई और पाथ चूज करेंगे आप, तो अब नेक्स्ट पाथ क्या हो सकता है आपका। अब देखिए, अब वन से टू, टू से फोर, फोर से फाइव एंड देन फाइव से सेवन जा सकते हैं। ठीक, तो हम इस पाथ को चूज करते हैं, वन, वन से टू, टू से फोर, फोर से फाइव एंड देन फाइव से सेवन। इस पाथ के लॉन्ग सबसे जो मिनिमम फ्लो है वो आप देखेंगे कि यहाँ टू है, मिनिमम कैपेसिटी यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री है, यहाँ फाइव है, तो सबसे मिनिमम है टू, तो हमने यहाँ ले लिया टू। अब इसको यहाँ भी लिख लेंगे टू। टू लेने के बाद फाइव माइनस टू इज थ्री एंड देन थ्री माइनस टू इज वन एंड देन अगेन थ्री माइनस टू इज वन एंड टू माइनस टू इज ज़ीरो। नाउ अगेन दिस इज ब्लॉक्ड, सो यू कांट चूज दिस पाइपलाइन। सो अब हमारे पास क्या हुआ कि जो पाइपलाइन ब्लॉक हो गई, हम इसको चूज नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास अगला कौन सा रास्ता हो सकता है, कौन सा पाथ चूज कर सकते हैं हम, इसे वन से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव और फाइव से सेवन चूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि सबसे मिनिमम कैपेसिटी क्या है, यहाँ सिक्स है, यहाँ टू है, यहाँ वन है और यहाँ थ्री है, तो सबसे मिनिमम कैपेसिटी है वन, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे वन। अब वन चूज करने के बाद थ्री माइनस वन इज टू, वन माइनस वन इज ज़ीरो, टू माइनस वन इज वन एंड सिक्स माइनस वन इज फाइव। अब यहाँ पे पाथ को एक बार लिख लेंगे, वन वन टू थ्री
3 to 4, 4 to 5, and then 5 to 7. And flow is 1. Okay. अब क्या करेंगे हम इस पाथ को आप चाहे तो यहां ऐड कर सकते हैं या फिर टोटल फ्लो इक्वल टू 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12. सो हमारा टोटल फ्लो हो गया 12. यहां भी ऐड करके आप लिख सकते हैं इसे 5 4 9 एंड 2 11 प्लस 1 12. सो आवर मैक्सिमम फ्लो इज 12 एंड दिस वुड बी आवर आंसर. Thank you.